आज हमारे पास सोशल साइट्स हैं जहां हम दोस्तों और रिश्तेदारों के संपर्क में रह सकते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इसी मेल मिलाप और संपर्क में रहने के लिए मंदिरों की स्थापना, उत्सव और मेलों का आयोजन होता था। बड़कागढ़ का जगन्नाथ मंदिर भी छोटा नागपुर क्षेत्र का ऐसा ही एक केंद्र स्थल है। यहाँ के कई इतिहासों के गवाह इस मंदिर की स्थापना सन 1691 ईस्वी में ठाकुर एनी नाथ शाहदेव ने की थी। महाराजा नाग वंशी पारायु परे बनुआलाय पुरी जैसन मंदिला सुंदर साजाइन जेकर छवि छावल दूरे दूरे गे साजाइन जेकर छवि छावल दूरे दूरे गे साजाइन रांची जिला जगन्नाथपुरे गे साजाइन रांची जिला हीरा नागपुरे। जब से ये मंदिर अस्तित्व में आया लगभग तभी से रथ यात्रा मेले का यहाँ विशाल आयोजन होता आ रहा है। समय के साथ मेले के स्वरूप में परिवर्तन आता गया और इसके साथ ही इसकी भव्यता में भी बढ़ोतरी होती गई। रथ यात्रा अनुष्ठान से पहले कई विधि विधानों का पालन होता है। इसकी शुरुआत अक्षय तृतीया में रथ की पूजा से होती है। उस दिन से उस रथ का मरम्मत का कार्य प्रारंभ हो जाता है और वो चलता है रथ यात्रा के पहले, वो तैयार हो जाता है। तो पहला तो वो हुआ। उसके बाद होता है ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान यात्रा होता है। स्नान यात्रा में भगवान को सिंहासन से गर्भगृह से निकाल के लाया जाता है। स्नान मंडप में उनका अनुष्ठान करके उनको विभिन्न तरह के द्रव, सुगंधित द्रव, जड़ी बूटी ये सब मिला के उन स्नान का जल बनाया जाता है। उससे उनको स्नान कराया जाता है। 108 की आरती होती है। तत्पश्चात जन साधारण अपने द्वारा लाए गए जल, दूध इत्यादि से भगवान को अपने हाथ से स्नान कराते हैं। भगवान जगन्नाथ को जिस जल से स्नान कराया जाता है उसे पाने के लिए भक्तों की लाइन लग जाती है। भक्त इस जल को घर में छिड़क कर घर पवित्र करते हैं। उस दिन से फिर भगवान का दर्शन बंद हो जाता है। भगवान को एकांतवास में कर ले जाया जाता है। वहाँ उनका श्रृंगार शुरू होता है। वो श्रृंगार जो है रथ यात्रा के एक दिन पहले आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तक कंप्लीट हो जाता है, तैयार हो मैं पूरा हो जाता है। उस दिन एक अनुष्ठान होता है नेत्रदान का। नेत्रदान कहने का मतलब है कि जो कलाकार लोग जो भगवान का श्रृंगार करते हैं वो पूरा श्रृंगार कर देते हैं, केवल आँख में थोड़ा सा बचा के रखते हैं, जिसको कि हम लोग अनुष्ठान करके वो पुजारी गण उसको पूरा करते हैं, तो इसलिए उसको नेत्रदान कहा जाता है। उस नेत्रदान होने के बाद में संध्या 5 बजे से भगवान का दर्शन यहाँ प्रारंभ हो जाता है। 15 दिन बंद जो रहता है उस समय एक कोई भी वहाँ नहीं जाता है। पूजा पाठ, राग भोग सब बाहर से होता है, सांकेतिक पूजा। और उस दिन से भगवान का दर्शन प्रारंभ हो जाता है। फिर उसके दूसरे दिन आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान का सुबह 4 बजे ही भोग लग जाता है। 5 बजे भगवान दर्शन मंडप में विराजमान हो जाते हैं जन साधारण को दर्शन देने के लिए। 2 बजे तक यहाँ रहते हैं। 2 बजे से यहाँ से यात्रा उनका प्रारंभ होता है। आगे आगे बोला राम, आगे आगे बोला राम, पीछे प्रभु घना श्याम, स्तुति आया सारे, पीछे में तुम्हारा सुंदर कोई, स्तुति आया सारे, पीछे
नीचे में सुखा तारा सुंदरे कोई सुती आया सारे जगन्नाथ चलाए मोसी गे कोई सुती आया सारे दूसरे दिन भोर से ही पूजा शुरू हो जाती है और दिन के 2 बजे जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के विग्रहों को रथ पर बैठाया जाता है। उसके बाद शुरू होती है रथ यात्रा। भक्तों का उल्लास देखने जैसा होता है। दूर दूर गांव जिलों से भी लोग पहुंचते हैं रथ यात्रा और मेले का आनंद लेने। भगवान के रथ की सज्जा भी बहुत सुंदर होती है। भक्त एक साथ बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं जो सुनने वालों को एक अनोखे तरंग में जोड़ देता है। जिसमें जाति धर्म से हम लोग परे हैं, हम लोग किसी जाति को नहीं जानते हैं। जो हमारा इस वेश में आता है वो ब्राह्मण कहिए, पुजारी कहिए, भक्त कहिए, वो सेवा में आ जाता है, भक्त पूजा में शामिल हो जाता है। लगता है मानो सारी समस्याएं छोटी हो गई हैं। प्रभु के नाम के आगे अब कोई बाधा टिक नहीं सकती। भगवान जगन्नाथ की महिमा ही कुछ ऐसी है कि राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर विरोधी दल के नेता तक सभी प्रभु की आराधना में एक साथ खड़े होते हैं। उत्साह से भरे भक्त जय जयकारी लगाते हुए रथ के भारी पहियों को खींचना शुरू करते हैं। तब पुलिस और स्वयंसेवक समूह सतर्क होकर भीड़ को नियंत्रित करते हैं। इतनी बड़ी भीड़ में कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई भक्त रथ के पहियों के नीचे ना आ जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। खुद पुलिस के बड़े अधिकारी वहां उपस्थित रहकर अपनी निगरानी में रथ का संचालन कराते हैं। जगन्नाथ चलाए मोती गारे कोई जूती आया सारे। रथ धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है। मंदिर से आधे किलोमीटर दूर मौसीबाड़ी पर पहुंचकर रथ यात्रा पूरी होती है। मौसीबाड़ी को गुंडीचा मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पहले से ही महिलाएं एक साथ भगवान के स्वागत के लिए प्रतीक्षा में हैं। रथ पहुंचने के बाद सबसे पहले महिलाओं को ही रथ पर चढ़कर भगवान के दर्शन और स्पर्श की प्राथमिकता दी जाती है। भगवान की आरती उतार कर उन्हें अंदर ले जाया जाता है और 9 दिनों तक जगन्नाथ यहीं विश्राम करेंगे।
भोग रहता है बेटा भगवान का, वही प्रसादी खरीद लेते हैं ओझे पर बैठ के खा लेते हैं, भगवान का भोग पैसा दे करके ले लेते हैं जी। भगवान का भोग ऐसे नहीं खा जाता, भगवान को दिए हैं हम लोग के तो उनको देते हैं जी, उनके चीज देते हैं हम अपना चीज नहीं दे रहे हैं। न्यास समिति के जो प्रथम अध्यक्ष थे स्वर्गीय राम रतन राम जी, ठाकुर राधेश्याम नाथ सहदेव जी और स्वर्गीय सोमनाथ तिवारी जी, इन्होंने एक अपना विंग बनाया जिसको हम लोग रथ मेला सुरक्षा समिति कहते हैं। हम लोग 9 व्यक्ति मिलकर के उसका स्थापना किए और हम लोग का विजन था कि इस रथ यात्रा में इतना व्यवस्था किया जाए कि कम से कम नेत्रदान से लेके वापसी रथ यात्रा तक मेला यहाँ जमे, जिसमें सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों का खोया पाया विभाग, चिकित्सा और रात्रि में जो बाहर से देहात से महिलाएं आती है उनकी सुरक्षा, दर्शनार्थियों का व्यवस्था, सुरक्षा, चैन स्नेचिंग, पॉकेट मार, ये बहुत हुआ करता था। लेकिन हम लोगों ने प्रारंभ किया और धीरे 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 यह व्यवस्था उत्तम से उत्तमोत्तर होता चला गया। 10 दिनों तक मेले में रौनक बनी रहेगी। यहाँ पारंपरिक पकवानों के साथ आधुनिक प्रचलित व्यंजनों के स्टॉल भी भरपूर हैं। किसी भी मेले का मुख्य आकर्षण होती है वहाँ की मिठाइयाँ, बालूशाही और गजक। रथ यात्रा मेले में पाई जाने वाली खास मिठाई है, कह सकते हैं इसके बिना मेला ही अधूरा है। नगाड़ा, मांदर, ढोल जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की बिक्री भी यहाँ खूब होती है। ढोला नागे राधा कमाए चावे मांदरे, झुलुआ तमाशा बजा नाचा मचा पड़े गे, साजन किना बेचा खचिया दौड़े गे, साजन किना बेचा खचिया दौड़े गे, साजन रांची जिला जगन्नाथपुर गे। तलवार, तीर धनुष, खेती के औजार, जानवरों के गले में बांधी जाने वाली घंटियां और लोहे के झांझर जो कि पानी में गिर गए सामान को उठाने के लिए होता है, यहाँ खूब बिकते हैं। लकड़ी और पतली बेंत के सामान भी यहाँ लोगों को आकर्षित करते हैं। बच्चों की हाथकाड़ी, मछली पकड़ने में इस्तेमाल होने वाली टोकरियाँ, पिंजरे जैसे सामान हर दिन बिकते हैं। कोई विक्रेता अपना माल वापस लेकर नहीं जाता, सारा सामान यही बिक जाता है। नहीं बचता है सर, मिठाई वापस हो जाता है सर, अगर ये सब नहीं बचता। झारखंड का ये सबसे पुराना मेला है जो 10 दिन तक चलता है। देवघर का जो मेला है जो 1 महीने का चलता है वो बहुत बाद में शुरू हुआ 1 महीने का, लेकिन यहाँ का जो मेला जगन्नाथ जी का 10 दिन का, झारखंड का पहला ऐसा मेला है जो 10 दिन तक चलता है और हर जाति धर्म का इसमें लोग आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू आता है, हिंदू भी आता है, ईसाई भी आता है, मुसलमान भी आता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और नीचा भावा छोड़ी, उच नीचा भावा छोड़ी, घोरा मेला पड़े ताजा जरूरे, ताजाइन रांची जिला जगन्नाथपुर गे, ताजाइन रांची जिला हीरानागपुर गे, ताजाइन रांची जिला हीरानागपुर। मेले के कोलाहल के बीच से निकलकर आइए चलते हैं मंदिर प्रांगण में। 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर की मजबूत दीवारें इसे दुर्ग जैसा रूप देती हैं। ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर का ही छोटा प्रारूप है। कहा जाता है इस मंदिर के निर्माता स्वर्गीय ठाकुर एनी नाथ शाहदेव को भगवान ने सपने में आदेश किया था कि इसी स्थान पर मंदिर की स्थापना करें। भगवान का उनको स्वप्न में दर्शन होता है
भगवान कहते हैं कि तुम हमारे अनन्य भक्त हो, बस इसी जगह को इंगित करके भगवान आदेश किए उनको कि उस जगह तुम हमारा मंदिर बनवाओ, तुमको और तुम्हारी प्रजा को हमारे पूजा अर्चना दर्शन के फल की प्राप्ति होगी। वहाँ से वापस आते हैं, मंदिर बनवा के पुनः पुरी जाते हैं, वहाँ से विग्रह बनवा करके लाते हैं, स्थापना करते हैं। तब से भगवान जगन्नाथ स्वामी इस झारखंड प्रदेश में पूजे जा रहे हैं। कहा जाता है कि एक वर्ष में गर्भगृह बना, उसके बाद जो है भोगगृह बने, उसके बाद आज जहाँ गरुड़ विराजमान है वो बना, और उसके लगभग एक साल बाद मौसीवाड़ी का निर्माण हुआ जो एक आधा किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर की नक्काशी बहुत ही सुंदर है। सिंह द्वार से प्रवेश करते ही काशी विश्वनाथ का स्थान है। सामने मंदिर का गर्भगृह जिसमें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह हैं। मंदिर के दक्षिण में विमलेश्वरी देवी का मंदिर है। विमलेश्वरी देवी को भोग लगने के बाद ही जगन्नाथ स्वामी को भोग लगता है, तब वो भोग जो है सो वो महाप्रसाद कहलाता है। मंदिर की प्रदक्षिणा के समय भक्त विष्णु के अन्य अवतारों वामन देव, वराह देव और नरसिंह देव के भी दर्शन करते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इतिहास के अनेक अध्यायों का गवाह ये मंदिर भी है। कहते हैं सन 1857 में इस मेले के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध रणनीति तैयार करने और प्रचार प्रसार के लिए क्रांतिकारी यहाँ आते थे। सब कुछ गोपनीय होता था और अंग्रेजों को इसकी भनक भी नहीं लगती थी। 1857 में विद्रोह हुआ था, तो उस विद्रोह उस समय विश्वनाथ शाही भी थे, वहाँ के एक बहुत बड़े सेनानायक थे उस समय के 1857 के, और जमींदार तो थे ही नागवंश के, जिसे हम बरकागढ़ कहते हैं जो हटिया के इलाके में था। तो उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, विद्रोह के कारण फांसी की सजा दी गई और उनकी जागीर को भी जब्त कर लिया। बिरसा जब आंदोलन करने का निर्णय लिए, हजारीबाग जेल से बाद जब छूटे, तो उन्होंने तीन जगहों की यात्रा की। चुटिया के मंदिर से तुलसी लिया, नवरत्नगढ़ के मंदिर से माटी ली, लॉर्ड जगन्नाथ के मंदिर से चंदन और चंदन का लेप लिया। और कहते हैं कि बिरसा जब इस मंदिर के प्रांगण में पहुंचे तो बहुत जोर से चिल्ला के बोले कि कौन मेरे घर के भीतर रह रहा है। तो वो इन जगहों को, यानी कि लॉर्ड जगन्नाथ के मंदिर को भी अपनी सभ्यता और अपनी अस्मिता से जोड़ के देखते थे और लोगों के बीच उद्वेलित करने का एक सशक्त माध्यम के रूप में देखते थे। लेकिन बहुत बड़ी सोच थी उनकी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के परिधि में इसे देखने की जरूरत। लक्ष्मी राम ना घन श्याम भजी ले रे महान, लक्ष्मी राम ना घन श्याम भजी ले रे महान, लक्ष्मी राम ना घन श्याम भजी ले रे महान, लक्ष्मी राम ना घन श्याम। उतवालिया ने यह व्यवस्था दिया कि यह मंदिर सार्वजनिक है, यह पारिवारिक नहीं है, यह पूरे समाज के, पूरे हिंदू धर्म के लोगों के लिए है। तो उसके बाद एक न्यास बना, जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति, और उसके पहले अध्यक्ष स्वर्गीय राम रतन राम जी। जिस समय गठन हुआ, हिंदू धर्म में जात पात का बहुत ही बोलबाला था। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति पूरे झारखंड में, उस समय बिहार में, पहला ऐसा संस्था था जिसने हरिजन को पूरे मान सम्मान के साथ अध्यक्ष बनाया। सचिव उस समय पदेन उपायुक्त सचिव हुआ करते थे रांची, कोषाध्यक्ष ठाकुर राधेश्याम नाथ शाहदेव जी, और प्रधान पुजारी के रूप में पुराने स्वर्गीय वैकुंठनाथ तिवारी के पुत्र स्वर्गीय सोमनाथ तिवारी जी को प्रधान पुजारी के रूप में ट्रस्ट ने पुनः नियुक्त किया। उसके बाद अकाउंट्स जगन्नाथ जी का अकाउंट जीरो अकाउंट, पहला अकाउंट खुला बैंक में जीरो से, और उसके बाद धीरे 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 जन सहयोग मिलता गया और मंदिर का काम होता चला गया।
325 वर्ष पुराने इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1991 में शुरू हुआ। लंबे समय तक काम चलने के बाद आज मंदिर भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार खड़ा है, लेकिन मंदिर के मूल रूप को वैसा ही रखने का प्रयास किया गया है। जगन्नाथ मंदिर इतनी ऊंचाई पर बना है कि दूर से देखने पर किसी दुर्ग जैसा लगता है। 10वें दिन फिर रथ यात्रा शुरू होती है। आज भगवान वापस मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। इसे यहाँ गुट्टी रथ कहा जाता है। के कर ले गिने से ए वाली जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ के कर ले गिने से। दर्शनार्थी धूप बारिश की परवाह न कर मेले के आखिरी दिन खूब घूमते फिरते और खरीदारी करते हैं। इसी अनुष्ठान के साथ इस क्षेत्र में लगने वाले सबसे बड़े मेले का समापन होता है। मेले के विक्रेता श्रद्धालुगण सभी अगले साल इससे भी भव्य आयोजन और व्यवस्था की आशा के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आते हैं। आज हमने आपको लगभग 300 साल पुराने मंदिर और उससे जुड़े मेले की कथा सुनाई। मेले के अलावा भी यहाँ मंदिरों के दर्शनों के लिए सालों भर लोगों का आना लगा रहता है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य और यहाँ की खामोशी आपको बाध्य कर देगी कि आप थोड़ी देर और रुकें। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसकी जड़ें मानव सभ्यता के इतिहास तक जाती है। अगर आप अपनी दुनिया से प्रेम करते हैं, अगर आप मानव सभ्यता के इतिहास में रुचि रखते हैं, तो झारखंड दर्शन आपके लिए एक रोमांचकारी अनुभव होगा। यहाँ आइए और देखिए यहाँ की पहाड़ों और जंगलों में छुपा है मानव सभ्यता के इतिहास। आप यहाँ एक बार आएंगे तो निश्चित ही आप बार बार आना चाहेंगे। झारखंड को नए रूप में सबके सामने लाना हमारा उद्देश्य है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि इसी तरह हम अपनी धरोहर नए नजरिए से दिखाते रहें, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।